सभी का स्वागत है द पूर्वास किचन में। आज हम लोग देखने वाले हैं गेहूं का दलिया। इस रेसिपी में मैंने 5 से 6 प्रकार की अलग अलग दाल यूज की है और 7 से 8 प्रकार की अलग अलग सब्जियां। तो आप ही सोचिए कितना हेल्दी होगा ये। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे सारी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं, या फिर आप थक गए हैं ऑयली स्पाइसी और तीखा खाना खाने का, तो फिर आप उस दिन ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। ये जो रेसिपी है ये सबके लिए बहुत ही अच्छी है और इसके साथ इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए या फिर डिनर में बनाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गेहूं का दलिया। दोस्तों, हेल्दी दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 100 ग्राम पालक, ये बारीक कटा हुआ लौकी है, 1 छोटा गाजर बारीक कट किया हुआ, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, 1 लाल टमाटर इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 छोटा बैंगन। दोस्तों, इसके बाद मैंने लिया है थोड़े से मूंगफली, 1 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सूखा हुआ नारियल और 10 से 15 लहसुन की कलियां और 2 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का दलिया, 1 छोटी आधी कटोरी मिक्स दाल, आप अपने हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, मसूर की दाल, बहुत सारी दाल मिक्स की करके ली है और घी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, कुकर गर्म होते ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। अभी हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डालूंगी मीडियम फ्लेम पर, नारियल और लहसुन मैंने बारीक क्रश कर लिया है ये मैं डालूंगी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च, ये अच्छे से होने लगा है। अभी मैं इसमें सबसे पहले गाजर डालूंगी, गाजर को पकने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, गाजर को अच्छे से होने देंगे। फिर इसमें मैं लौकी डालूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर और लौकी अच्छे से होने लगे हैं। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगी और स्वीट कॉर्न भी डाल दूंगी। आप फ्लेम मीडियम हाई पर रख सकते हैं, सब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई होने चाहिए। यहाँ पर अपनी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से होने लगी है। अभी मैं गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके इसमें पालक डालूंगी और बैंगन डाल दूंगी, ये सब हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई है। इसमें अभी मैं पीनट्स डाल दूंगी, यहाँ पर मैंने दलिया और मिक्स दाल अच्छे से धो लिया है, ये मैं अभी इसमें डालूंगी। अभी ये सारी चीजें हमें अच्छे से घी में भून लेनी है। अभी आप जो गैस का फ्लेम है वो थोड़ा हाई पर कर सकते हैं, हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से सब भून लेना है। इसमें अभी हमें डालना है 1/2 चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको फीका दलिया बनाना है तो आप लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैंने ले लिया है हल्दी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, और जो धनिया बारीक कट करके लिया था ये भी मैं इसमें डालूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें लगभग 2 कटोरी पानी डालने वाली हूँ, पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे दलिया थोड़ा पतला बनाना है इसलिए मैं और पानी ऐड करूंगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 ग्लास से ज्यादा पानी यूज किया है। हमारा दलिया एकदम पतला दिख रहा है अभी, और मैं 1 चम्मच अभी नमक डालूंगी। कुकर को हमें अभी बंद कर लेना है। इसकी हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। अभी आप देख सकते हैं 3 सीटी हमने ले ली है, और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो भी रिलीज हो चुका है। अभी हम खोल के देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा दलिया अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने अभी हमारा दलिया प्लेट में निकाल लिया है। इस पर बहुत सारा घी डाल के हमें सर्व करना है।